Let's go to Jantar Mantar, all right, what we are getting to hear is the press conference organized by our veterans at Jantar Mantar. Listen in. Meri zindagi desh, Kerala, are us mark ke saath. Agar koi bhi sarkar vaada karke vaada todti hai, bhaiyo, bahut dukh ki baat hai, ranjish ki baat hai. हम सब गुस्से में हैं क्योंकि हमारे साथ वायदा किया गया और उस वायदे को तोड़ दिया गया. इसलिए भाई और बहनों, ये मुहिम शुरू हुई है. आज मुहिम का 81वां दिन है, 82वां दिन है भाइयों, 82 डेज. और 14 हमारे सैनिक मरण अंश में बैठे हुए हैं और भाइयों 500 और ने टेलीफोन कर दिया है कि हम मरनेश पे बैठने के लिए तैयार और वो चाहते हैं. इसलिए क्योंकि कुर्बानी तो हमने पहले दिन लिखती देश के नाम भाइयों लिखते थी जब हमने यूनिफॉर्म डाला था. जिंदाबाद. इसलिए भाइयों और बहनों, ये लड़ाई वैदा तोड़ू से है और जो हमारे साथ अन्याय है उसके अगेंस्ट है. ये जो लड़ाई है बेइंसाफी के अगेंस्ट है. ये लड़ाई किसी सरकार के प्रति अगेंस्ट नहीं है, किसी पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है. एयरफोर भाइयों, हमें इसको इतना तेज कर देना है कि कभी भी कोई सरकार जब तक हिंदुस्तान रहेगा इस वर्ग के साथ कभी भी अन्याय भाइयों. ऐसा हमारी जिद की भावना है. हम सब ने ये प्रतिज्ञा करी है. इसलिए हमने इस जहां पे मेरे भाई बैठे हुए हैं इस जगह को हमने नाम दिया है सैनिक पार्लियामेंट. ये सैनिक पार्लियामेंट का नाम दिया भाइयों. तो ये पवित्र स्थान जो हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघर बन गया है, इसको हम अपने तन मन से पूज रहे हैं भाइयों. और जो भी देश भर में हमारे साथ दे रहे हैं, आप सबने देखा है फलाओ, ये है चंद फलाओ भाइयों, ये है चंद देश के अंतरा वर्कआउट करने वालों ने ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 1947 के बाद किसी भी एक वर्ग का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मूवमेंट ये मूवमेंट है जो 14 जून से शुरू हुई है. तो ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये देश के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं. सबसे ज्यादा मूवमेंट देश में, इस मूवमेंट ने वन रैंक वन पेंशन मिशन, वन रैंक वन पेंशन ने किया. देश का दुर्भाग्य है भाइयों, हमारा ट्विटर 7 घंटे तक 16 अगस्त को पूरी दुनिया में नंबर वन पोजीशन पे रहा है. ये ताकत है आपकी. हम डिसिप्लिन में, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमारे को साधन अवेलेबल है, हम अपने सैनिक परिवारों को और देशवासियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब इस मूवमेंट में जहां पे हो, गांव से लेकर दिल्ली तक मिल जाए भाई, और इसको तेज करें, स्ट्रॉन्ग करें. और देश की कोई भी प्रणाली है उनको पता हो जाना चाहिए कि इस देश को बनाना हमारे सबका काम है. और इस वर्ग के साथ जब एक सिपाही अपनी जान की आहुति देते हैं तो मेहरबानी करके अपने इस प्यारे वर्ग को कभी भी आपने इतना गुस्से में नहीं आने देना, उनके साथ ऐसे अन्याय नहीं करना.
इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ रही है और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि हो सकता है सरकार अपने आप यूनिलैटरली वन रैंक वन पेंशन डिक्लेयर कर दे। अगर भाइयों वो हमारे जो स्टैंडिंग ऑलरेडी मुद्दे हैं अगर उसके मुताबिक है तो हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर भाइयों वो उसके अगेंस्ट है तो भाइयों हम अपनी मुहिम को और तेज करेंगे। क्या आप सबसे हम जो इस वक्त इस लगे हुए हैं इस कार्य को और बढ़ाने के लिए जो कमेटी में है, क्या आप सब हमारा समर्थन करते हैं? ओके, अगर ये है तो हो सकता है सरकार हमारे को हो सकता है ठीक भी दे। जो हमारी बॉटम लाइन है वो ये है, जो आप पढ़ोगे वो देख लोगे, उसका क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा वो भी यहां से आपको पता लग जाएगा। जो बेस ईयर है जो पेंशन गिनी जाएगी वन रैंक, वो भाइयों 2013 और 2014 होना चाहिए। ये हम सब ने इसका मतलब 13-14 की पेंशनें सभी पिछले वालों को पास हो। I want to cut across to Jugal Purohit, my colleague who's joining us for more on the story. Jugal, the last 1 week was tightly woven in suspense whether or not our veterans and the government has reached middle ground. What's the latest that you're picking up? Well, you see, Preeti, the entire of last night we can confirm to our viewers there have been hectic parleys which have been held between different sides, different negotiators fielded by the government and sections of the protesting veterans. Even this morning I'm given to understand that the veterans, a section of the leadership of the veterans was called in for meetings on the issue, and it does appear for now, given the kind of language that General Satbeer Singh is using to speak to his people, it seems that the resolution can be in sight. However, as we've seen in the past, many a times it has come this close and then the gains have been frittered away and no resolution has emerged. So we'll have to wait and watch, but I can tell our viewers that since last night the engagement has intensified and the language at least for now suggests that there could be a breakthrough soon. Back to you. Well, you know, Jugal, the breakthrough, if at all, has been reached, needs to be announced fairly quickly, keeping in mind the notification on Bihar elections. Well, Preeti, there's a slight technical issue there. ORoP is not a new announcement. What is being asked for is the implementation of the old announcement. Remember, ORoP isn't two budget documents of the Union of India, so it isn't a new announcement per se. Nevertheless, the government hasn't spoken out at all about just what it perceives as a technical issue or not. So for now, at least, you know, the issue is that we can report is that since last evening, engagements have intensified. And also, if I may add, officials of the defense finance who deal with the pension execution have been locked in a meeting with the Prime Minister's office this morning. The whole of yesterday, even they met the cabinet secretary. So a lot of developments vis-a-vis ORoP are taking place, and we'll have to wait and watch as to just when the government chooses to announce it.